राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और उसके 18 सहयोगी संगठनों के बिहार के पदाधिकारियों के बारे में स्पेशल ब्रांच द्वारा पूरी जानकारी मांगने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में आरएसएस की जड़ें नीतीश कुमार ने ही मजबूत की है, ऐसे में अब इस मामले में जांच कराने के क्या फायदे। राबड़ी देवी ने कहा कि सीएम के हाथ में पावर है और वो चाहे तो इस बात की जांच करा सकते हैं। सुशील कुमार मोदी से पूछिए ना, अमित शाह से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए, बीजेपी के लोग से पूछिए ना। वो लोग तो हाउस में मामला को उठाए हैं, संजय मयूख ने उठाया है ना, कोई बोला कोई नहीं बोला। वो लोग सफाई मांग, वो लोग सफाई मांग रहे हैं क्या? नीतीश कुमार जी तो वो लोग जड़ मजबूत कर दिए हैं, तो अब क्या सवाल उठा रहे हैं, अब क्या सवाल पूछ रहे हैं? अब खुफिया जांच करवा रहे हैं, क्या जांच कर रहे हैं? उनका पावर है, उनका हाथ में नीतीश कुमार का हाथ में पावर है। इसमें हम लोग के धन्यवाद विरोधी दल नेता के कहने के क्या आई है, क्या विश्वास कमी हो गई है बीजेपी और जेडीयू में? विश्वास की कमी है मैडम, शुरू से हो रहा है इस तरह का सुनने में, तो शुरू से मिल रहा है हम लोग, बाकी सर हम लोग क्या बोल सकते हैं। पावर है, पावर में है नीतीश कुमार जी, अपना जो पावर का इस्तेमाल कर मैडम। वहीं साल 2009 में लालू प्रसाद की तरफ से आरएसएस की जांच कराए जाने की बात पर राबड़ी देवी ने कहा कि सूबे में आरएसएस अपनी पकड़ मजबूत बना चुका है और इस तरह की जांच कराए जाने का कोई फायदा नहीं। लालू जी ने 2009 में ही कह दिया था कि आरएसएस नीतीश सरकार में बढ़ रही है, कई जगह पर हमारे खुफिया जो लोग थे उन्होंने पहले ही लिखा, पहले ही हम आप लोग को बोल दिए ना कि जड़ मजबूत कर दिए हैं नीतीश कुमार जी आरएसएस का, बीजेपी का, तो अब क्या रोना रोना क्या है। लालू जी ने पहले ही चेताया था कि नीतीश, बिहार की जनता सब समझ रही है जी। वहीं विधान परिषद में भाजपा सदस्य संजय मयूख ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि क्या वजह है कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों की जानकारी सरकार ने मांगी है। सदन में आपके बयान से काफी उथल पुथल मचा हुआ है। कोई उथल पुथल नहीं है, जिस तरह के पत्र था उस तरह के पत्र पर हमको आपत्ति थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषांगिक इकाइयों के बारे में यदि इतने वर्षों में सरकार को जानकारी नहीं है तो काफी आपत्तिजनक विषय है। फिलहाल इस मामले में एडीजी ने कहा कि ये पत्र पुलिस अधीक्षक की तरफ से जारी हुआ है, पत्र की जांच की जा रही है और इस मामले में जांच के बाद संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।